अस्सलामुअलैकुम। तो येल्ला लूडो की फुटबॉल एक्टिविटी का एक दोबारा से लकी ड्रा आ गया और काफ़ी एक्टिविटी का रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है। जिन लोगों के आईडीज नंबर लकी ड्रा में आए हैं उनको मेल रिसीव हो गया होगा। आज एक भाई को मेल रिसीव हुआ, ये देख सकती हैं कि उस भाई को यहाँ से 500 डायमंड रिवार्ड में फ्री मिले हैं। तो आपको भी अगर मिले हैं तो आप मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे ट्रांसफर कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे किन मेंबर्स को लकी ड्रा में डायमंड मिले हैं। तो सिंपल हम अपनी येलो लूडो की आईडी को ओपन कर लेते हैं। तो कौन सा लकी ड्रा है, फिर भी दो बहुत आसान सा लकी ड्रा है। यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ पे फेसबुक फ्रेंड पे क्लिक करेंगे और ऑफिशियल पेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये ट्रैक हमको फेसबुक के पेज पे ले जाएगा, थोड़ा सा नीचे टर्न कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं कल एक न्यू गिफ्ट रिलीज हो रहा है, ये देख सकती हैं। तो ये भी कल हो रहा है, उसके बाद ये लकी ड्रा है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर अलाउ ऑन द पिच फॉर ईच टीम। तो इसका आसान सा सवाल है, 7 है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में चले जाती हैं। तो रूल्स वही हैं जो उनके पहले थे, 26 और 27 डेट को हम इस एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं और 10 बंदों को 500 डायमंड दिए जाएंगे। सिंपल वही तरीकाकार है, हम यहाँ पे ऑप्शन जैसे उन्होंने बोला है वैसा ही देना है। उन्होंने बोला है कि अपने सवाल का जवाब देने के लिए रूल्स वगैरह मेंशन अपनी आईडी और आंसर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि माय आंसर आंसर, सही है, माय आंसर यहाँ पे बी लिख देते हैं, बी सही है। उसके बाद यहाँ पे टर्न करते हैं माय येल्ला लूडो आई डी इज सही। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 5 5 8 0 और आपको जैसा कि पता है कि फेस्टिवल के हवाले से यहाँ पे हैशटैग भी हम लगाएंगे फुटबॉल से, तो सेम यही ऑप्शन लिख देना है। मैं आंसर भी यहाँ पे आगे अगर 7 लिखना चाहती हैं तो 7 भी लिख सकती हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देख सकती हैं मैं लकी ड्रा में शामिल हो चुका हूँ। इस तरीके से आप ही इस एक्टिविटी में बहुत आसानी से हिस्सा ले के बहुत सारे डायमंड विन कर सकती हैं। तो उम्मीद है बात की समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।